Hello guys, now we are going to start next heading here. Converting of decimal numbers into fraction. How we can convert decimal number into fraction? As you know, real numbers, collection of irrational and rational, and rational number have two types of decimal expansion. First one is terminating decimal and second one is non-terminating. Recurring decimal means repeating decimal. So terminating and non-terminating recurring decimal जो है उसी को सिर्फ हम क्या कर पाएंगे फ्रैक्शन में बदल पाएंगे. इन शॉर्ट में अगर बोले कि जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि दो टाइप का है उसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कर पाएंगे फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे. एज यू नो रेशनल नंबर ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टू, फर्स्ट वन एंड द सेकंड. फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग डेसिमल and second one is non terminating recurring decimal. clear है? सिर्फ इन्हीं दोनों decimal expansions को हम क्या कर पाएंगे इस fraction में change कर पाएंगे in the form of p by q. here q is not equal to 0. see there any problem? No problem. तो याद रखिए terminating decimal and non-terminating recurring decimal. clear? first example यहाँ पे लेते हैं example first. clear? 0.31 ठीक है. non-terminating recurring decimal यानी repeating decimal. इसको हमको convert करना है किस form में? p by q के form में. सही है ना? Where q is not equal to 0. Suppose let x equal to 0.3. 3 bar means 3 point के बाद इसको आप लिखते थे सीज इक्वेशन नंबर. suppose करिए now multiplying 10 on both the sides of equation number 1. क्या मिलेगा हमको 3.3333 this is equation number 2. 3.3 क्या आता है मालूम? इसमें into 10 करेंगे तो 3.3 होगा ना decimal 1 digit right side में move हो जाएगा. very good. now subtracting equation number 1 from equation number 2. सही है. we have 10x minus x 9x is equal to 3 minus 0 3 and 3 minus 3 3 minus 3 3 minus 3 3 minus 3 ये सभी कितना आएगा 0. ठीक है. और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं. अब दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 3/9. ठीक है. दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 1/3 मींस द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस 0.31 इज 1/3. ये तो हो गया आपका बुक में जिस तरह से आपको कन्वर्ट करना. बट इफ देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस फॉर एम सी क्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया देन हाउ कैन डू इट शॉर्ट मेथड 0.3 का इसको कन्वर्ट करना है. चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी. इसमें आपको मार्क्स कम टाइम भी कम लेना. तो शॉर्टकट मेथड है रिकरिंग डेसिमल के लिए जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.3 मतलब इसके ऊपर बार उसके लिए हम 9 यूज करते हैं इन डिनोमिनेटर. क्लियर है? इन द फ्रैक्शन. एंड नॉन रिकरिंग के लिए आप 0 यूज करते हैं. सही है. रिकरिंग के लिए 9 और नॉन रिकरिंग के लिए 0. देयर नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट जैसा नंबर है वैसे आप उसको लिख दीजिए. ठीक है. पॉइंट हटा के और बार भी हटा. क्लियर. अब हम बोले हैं रिकरिंग के लिए क्या लिखेंगे 9 वो भी किसमें डिनर. क्लियर. ये हो गया आपका 1/3 शॉर्टकट में था. इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. ठीक है. ये तो आपका रिकरिंग के लिए हो गया. अब नॉन रिकरिंग के लिए. ठीक है. एग्जांपल नंबर 2 एज यू नो 0.5. क्लियर. 0.5 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. 0.56 कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं. नो प्रॉब्लम. अब इसको आपको क्या करना है रिप्रेजेंट कर देना एज अ फ्रैक्शनल फॉर्म. क्लियर.
इसको तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, सिंपली शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं, नो प्रॉब्लम। ना ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन रिकरिंग है, ठीक है। नॉन रिकरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपली इसको लिखेंगे 56/0, सही है। वन तो रहेगा, बिना जीरो का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर लेंगे, हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल फॉर्म। यानी ये प्रॉब्लम हो गई। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, 3.5 × 16, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है और एक डिजिट जो सिक्स है वो रिपीट कर रहा है। इसको कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में अगर करना हो तो इसको कैसे करेंगे, 5, 6, और नीचे क्या हो जाएगा, रिकरिंग के लिए 9, 6 रिकरिंग है 9, और नॉन रिकरिंग के लिए 0। और एक चीज़ और यहाँ पे करना है, जो नॉन रिकरिंग डिजिट है उसको माइनस भी करते हैं, सही है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा 51/9, सही है। ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, जरिए नहीं प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको अगर आपको अकॉर्डिंग टू बुक करना है, जैसे कि आपको बुक में दिया हो, तो इसको आप सपोज करेंगे लेफ्ट एक्स इक्वल टू 0.56666666 ठीक है। देन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ द साइड, वी हैव 5.66666 This implies that once again multiplying 10 by question number 2, ये हो जाएगा 100x equal to 56.66666 question number 3, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में देखिए 666, पॉइंट के बाद में 666, बट इसमें पॉइंट के बाद 666 नहीं है, तो इसको हम लीव करेंगे, सेकेंड और थर्ड से प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। सब्सिक्वेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। 100x - 10x 90x, सही है। 56 - 5 51, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू 51/90, सही है। तो देखिए मैच कर रहा है ना इससे पहले वाला जो किया। दैट्स ऑल, थैंक यू। इस पर कुछ आपको एग्जांपल्स करने जो कि आप करेंगे, दैट्स ऑल।